नमस्कार दोस्तों, सवाल आज भी वही है कि ऐ मौसम, क्या मुझे एक शाम मिल सकती है उधार में तेरी जिंदगी से। लेने में हाँ निकल रहा हूँ सर, मैं अभी जस्ट जस्ट निकल रहा हूँ सर। हाँ निकल गया हाँ हाँ निकल गया सर, निकल गया हाँ सर। जो काउंट इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों कि जिंदगी जी लेनी चाहिए, नहीं तो गुजर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है कर्नाटका का सबसे ब्यूटीफुल टाउन एंड जहां पे इंडिया का फर्स्ट कॉफी कल्टीवेट हुआ था, दैट इज चिकमंगलूर। और चिकमंगलूर के अभी हम लोग हैं द सत्वा रिट्रीट होमस्टे में। एक्चुअली द सत्वा रिट्रीट होमस्टे जो है चिकमंगलूर के हाई अल्टीट्यूड एरिया में है। आप अगर गूगल सर्च करोगे तो देयर इज़ वन विलेज कॉल्ड अवती विलेज। तो अवती विलेज में एक्चुअली देयर इज़ वेरी फ्यू होमस्टे। तो आप लोगों को अगर चिकमंगलूर आना है और चिकमंगलूर का नेचुरल फ्लेवर लेना है तो प्लीज़ विजिट अवती विलेज एंड द सत्वा रिट्रीट। बिकॉज अभी जो मैंने ये नज़ारा देख रहे हो ना आप लोग, मतलब दिस ब्यूटीफुल मौसम वेदर, ये मेरे को रिमाइंड कर रहा है जब मैं कश्मीर गया था। कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है पत्नी टॉप, सेम पत्नी टॉप जैसा फीलिंग्स मेरे को आ रहा है। अवती विलेज एक्चुअली चिकमंगलूर के हाई अल्टीट्यूड एरिया में एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। सत्वा रिट्रीट में टोटल 4 रूम्स अवेलेबल है, जिसमें से 2 रूम्स आर सेपरेट कॉटेज टाइप एंड अनदर 2 रूम्स इज अटैच्ड विद ओनर बंगलो। यह है हमारा क्यूट सा हिल व्यू कॉटेज विद ए पैशियो। रूम में बेसिक एमिनिटीज इज देयर without any TV or AC, but I personally believe that this all are not required at all. This is our first breakfast in Sattva Retreat. और मेरे पास है ब्रेकफास्ट में तट्टे इडली विथ रसम, उपमा, वड़ा एंड दिस होममेड केक मेड बाय कविता आंटी। बनाना केक विथ चोको चिप्स, वेरी नाइस टेस्ट। और ये भी होममेड जूसेस हैं, दिस इज एवोकाडो जूस फ्रेश एंड दिस वन इज गुआवा जूस। अल्टीमेट एक्सपीरियंस, प्लीज कम हियर। अगर आपको खाने का एक्सपीरियंस लेना है तो चिकमंगलूर में सत्वा रिट्रीट में आपको आना ही है। दोस्तों, खाने के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये सत्वा रिट्रीट फूडीज हेवन है। ईच एंड एवरी आइटम सच एज स्टार्टर, मेन कोर्स, ब्रेकफास्ट, जूसेस आर सो डिलीशियस एंड फ्रेश। और कोई भी आइटम कभी रिपीट नहीं होता था। स्पेशली मेंशन ऑल डेजर्ट आइटम इज जस्ट वाव एंड डेजर्ट आइटम्स आर मेड बाय कविता आंटी, द ओनर ऑफ दिस होम स्टे।
ऐ जिंदगी गले लगा ले, ये तो आपने सुना ही होगा। तो इसलिए दोस्तों चलिए जिंदगी का जश्न कुछ ऐसे मनाते हैं कि कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। एक्चुअली चिकमंगलूर को बोला जाता है कि द टाउन ऑफ यंगर डॉटर। द चीफ ऑफ सक्करपट ने अपने यंगर डॉटर को ये चिकमंगलूर टाउन एज ए डाउरी प्रेजेंट किया था। तो लुक एट द प्लेस एज ए डाउरी, ये प्लेस को देना मतलब जस्ट वाओ। और नॉर्मली ये कॉफ़ी यहाँ पे हुआ कैसे, उसका भी एक स्टोरी है। इन द 16th सेंचुरी सेंट बाबा बुदन एक बार हज के लिए बाहर जाते थे। तो हज से रिटर्न करने के टाइम पे जब वो यमन से आ रहे थे तो ही बॉट 7 सीड्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स। तो वो कॉफ़ी बीन्स को अपने बियर्ड और अपनी मुस्टाश में छुपा के लेके आए थे। और उन्होंने यही चिकमंगलूर के जगह पे जहाँ पे चंद्रगिरी हिल्स है वहाँ पे ही प्लांटेड दो 7 कॉफ़ी बीन्स। तो वही चंद्रगिरी हिल्स अभी राइट नाउ बाबा बुदनगिरी हिल्स के नाम पे फेमस है। तो अभी मैं जो ये कॉफ़ी टेस्ट कर रहा हूँ दैट इज अरेबिका कॉफ़ी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, अरेबिका, रोबस्टा एंड चिकोरी। अरेबिका कॉफ़ी इज मेड इन हाई अल्टीट्यूड एरिया, देन मीडियम अल्टीट्यूड एरिया इज रोबस्टा एंड द लोअर अल्टीट्यूड एरिया इज चिकोरी। Finest coffee at finest place is like a heaven. और क्या बताए, इठलाती हवा नीलम सगगन कलियों पे बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। बारिश की बूंदों ने एक चीज याद दिला दिया कि दिल हल्का करने का हक तो सबको है यार।